दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे अगर आप जियो पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कैसे आप ओपन करेंगे। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के साथ पता चल जाएगा कि आखिरकार जियो पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, कैसे अपना वीडियो KYC कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको माई जियो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए माई जियो एप्लीकेशन और फिर आप इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप इसे ओपन करिए। जैसे आप इसे ओपन करेंगे इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा माई जियो एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैंक का, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन बैंक का। अगर नहीं मिलता है तो आप इसे इस तरह स्क्रॉल करिए। जैसे आप यहाँ पर इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन अभी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन ये मिल रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये है जियो पेमेंट बैंक का। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको मोर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैंकिंग एंड पेमेंट, आपको यहाँ पर मिलेगा बैंक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे फिर आपके सामने वही पेज आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर बैंक पर क्लिक करेंगे, बैंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ चुका है जियो पेमेंट बैंक। यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले एम पिन सेट करना है, तो जो भी आप सेट करना चाहते हैं अपना सेट कर लेंगे और उसके बाद अपना एम पिन डाल देंगे और आपका जियो पेमेंट बैंक का जो यहाँ पर ये फीचर है ये आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जियो पेमेंट बैंक ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर मिलेगा ज्वाइन नाउ, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक और नीचे मिल जाएगा नेक्स्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको लेस्ट स्टार्ट मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे टर्म एंड कंडीशन आपके सामने निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर मिलेगा आई एक्सेप्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपका आधार नंबर क्या है, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना है और उसके बाद प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा, उसे आप एक्सेप्ट करिए और सेंड OTP पर क्लिक करिए। आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा यहाँ पर आपका दिखाया जाएगा और उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो हम यहाँ पर अपना OTP फिलअप कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर अपना OTP फिलअप कर दिया है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस सबमिट पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, आपके सामने KYC का डिटेल्स आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपका लास्ट नेम आ जाएगा, अगर आपका नहीं आता है तो जो भी आपका हो वो आपका आ जाएगा या आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर मेल आ जाएगा, यहाँ पर आपका कंट्री आ जाएगा, यानी कि ये आपके आधार से ले लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी आपको सिर्फ डालना है, तो हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देते हैं जो हम अपना ईमेल आईडी इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा फेचिंग डिटेल्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिस्टर मिसेज कुछ भी आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो हम यहाँ पर मिस्टर को सेलेक्ट करते हैं, अगर आप मेल हैं तो मिस्टर करेंगे, फीमेल हैं तो मिसेज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, सिंगल है या मैरिड, तो हम यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पिताजी का नेम पूछा जाएगा जो आपके पैन कार्ड के यानी कि पैन कार्ड में होगा। और उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा फादर्स मिडिल नेम, यानी कि आपके पिताजी का मिडिल नेम पूछा जाएगा। यहाँ पर आपके फादर्स का लास्ट नेम पूछा जाएगा और आपको नाम वही डालना है जो आपके पैन कार्ड में आपने लिखाया होगा। उसके बाद अपने माताजी का नाम, फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम। यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन यानी कि आप काम क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको सोर्स ऑफ इनकम यानी कि आपके इनकम का सोर्स क्या है, यानी कि आप पैसे कमाते हैं तो कहाँ से कमाते हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको इसमें मिल जाता है तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर ऑदर पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ऑदर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद इनकम, आपका एनुअल इनकम क्या है यानी कि आप एक साल में कितना कमा लेते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप ये भी सेलेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम एक साल में लगभग इतना रुपए हम कमा सकते हैं तो मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन और उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो हम यहाँ पर अपने मिडिल नेम और यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर डाल देते हैं और अपना पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने वीडियो KYC वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जाएगा अपने कैमरे का परमिशन अलाउ करना है, उसके बाद आपका इंटरनेट सही होना चाहिए
और आपका पैन कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए और आपका आधार कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा वीआर ऑपरेशन, यहाँ पर मिलेगा वीआर ऑपरेशन एवरी डे फ्रॉम यहाँ पर 9 to 30 AM टू यहाँ पर 8:30 PM, यानी कि आप सुबह 9:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक अपना KYC कंप्लीट करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके पास जियो का एक एजेंट आपसे जुड़ जाएगा वीडियो कॉलिंग पर, और वहाँ पर आपको अपना वीडियो KYC करना होगा। तो चलो हम यहाँ पर अपना वीडियो KYC कर लेते हैं। वीडियो KYC कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मिलेगा वीडियो KYC कंप्लीट सक्सेसफुल, और हमारा वीडियो KYC कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको मात्र 24 घंटे का इंतजार करना है, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर और आपका जो IFSC कोड है वो आपको यहीं पर मिल जाएगा। जब आप दोबारा से फिर से अपना जियो एप्लीकेशन ओपन करेंगे और जियो पेमेंट बैंक के ऑप्शन में आएंगे, तो आपका जो यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है और आपका IFSC कोड है वो आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से आपका जियो में आपका जियो पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस से ओपन हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही।